एनसीईआरटी साइंस क्लास एर्थ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी साइंस क्लास एर्थ क्वेश्चन आंसर। लेसन का नेम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 है हमारा। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 है हमारा। लेसन का नाम क्या है दोस्तों? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी क्या हो गया दोस्तों? फसल उत्पादन और क्या हो गया दोस्तों? प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे आगे देखेंगे दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी क्या दिए हैं दोस्तों? ये कुछ लिस्ट दिए हैं, जैसे प्लॉट हो गया, वाटर हो गया, क्रॉप हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और प्रिपरेशन हो गया। इनको क्या करना है? कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हम लोग को फिल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो, यानी समान प्रकार के पौधों को उगाने के लिए, एंड कल्टिवेटेड एंड लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। जहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों? समान प्रकार के पौधों को उगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग जब उसको उगाते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्रॉप, यानी क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। आगे देखेंगे, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी किसी भी क्रॉप को, यानी फसल को उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमको मिट्टी को तैयार करना चाहिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम लोग को क्या करना है दोस्तों? मिट्टी को तैयार करना है। आगे देखेंगे, डैमेज्ड सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप वाटर। कह रहे हैं डैमेज्ड फूड, डैमेज्ड सीड, सर डैमेज सीड यानी खराब खराब बीज जो होगा वो पानी के ऊपर क्या होगा दोस्तों? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। पानी के ऊपर क्या होगा? तैरेगा वो, यानी ऊपर आ जाएगा। आगे देखेंगे, फॉर ग्रोइंग ये क्रॉप, यानी पौधों को बढ़ने के लिए, पौधों को उगाने के लिए सफिशियंट किसकी जरूरत होती है दोस्तों? वाटर की। किसकी जरूरत होती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की, फ्रॉम द सॉइल आर द इसेंशियल, जिससे हमको मिट्टी से मिलती है। आगे देखेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे का क्वेश्चन है, मैट आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। यानी जो देखेंगे दोस्तों, कुछ आइटम दिए गए हैं कॉलम ए में, हमको कॉलम बी से उसको मैच कराना है। जैसे क्या है दोस्तों? पहला है क्या है? खरीफ की फसल, यानी खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या हो जाता है दोस्तों? खरीफ क्रॉप क्या बोया जाता है? खरीफ क्रॉप का मतलब हो गया कि जब मतलब गर्मी आएगी, बरसात का शुरुआत होगा, उस समय क्या लगाते हैं दोस्तों? हम लोग धान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धान लगाते हैं, भुट्टा लगाते हैं, जिसे हम लोग मक्का कहते हैं, ये लगाते हैं। आगे देखेंगे, रबी की फसल। रबी की फसल क्या है दोस्तों? रबी की फसल हम लोग क्या, कम पानी की जरूरत होती है, इसको हम नवंबर दिसंबर में इसको बोते हैं, मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। इस समय क्या, इस मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं, अर्थात ये रबी की फसल हो गई दोस्तों। जिसकी कटाई हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? जिसकी कटाई हम लोग गर्मी के महीने में करते हैं, जब तेज तपन होती है तब हम करते हैं, उसे रबी की फसल कहा जाता है। यानी सूर्य हमारा जब सबसे अधिक तपता है तब हम लोग रबी की फसल की कटाई करते हैं। अर्थात फिर यहाँ से केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है दोस्तों? यूरिया है। क्या है? यूरिया एंड सुपर फास्फेट है। यहां से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैनोर्स मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? जैविक खाद या कार्बनिक खाद, जैविक खाद या कार्बनिक खाद। तो जैविक खाद या कार्बनिक खाद क्या होता है दोस्तों? यहां देखेंगे, यह हो जाएगा हमारा क्या है? एनिमल एक्सक्रेटा मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? जानवरों का मलमूत्र। काउडंग मतलब क्या हो जाएगा? गाय का गोबर। यूरिन मतलब क्या हो जाएगा? मूत्र हो जाएगा। एंड प्लांट वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब खराब पौधा, यानी या अपशिष्ट पौधा। क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पौधा।
आगे चलेंगे दोस्तों, ये हमारा मैच हो गया, आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखेंगे, आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है दोस्तों कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, हमको दो एग्जांपल लिखना है किसका, खरीफ क्रॉप का और रबी क्रॉप का। अभी अभी हम लोगों ने मैच में पढ़ा, खरीफ क्रॉप में क्या था दोस्तों, खरीफ क्रॉप में पैडी एंड मैश था, यानी धान और मक्का था, और रबी क्रॉप में क्या हुआ दोस्तों, व्हीट एंड ग्राम हुआ, यानी गेहूं और चना हुआ। आगे चलेंगे, आगे है दोस्तों, राइट ये पैराग्राफ इन ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ ये देखिए दिया गया है दोस्तों, ये पैराग्राफ दिया, एक छोटा मतलब हेडिंग दी गई है, आपको क्या लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ सोल। प्रिपरेशन ऑफ सोल का मतलब क्या हो गया, मिट्टी की तैयारी पर हमको छोटा सा दो तीन चार लाइन लिखना है दोस्तों। उसके बाद में सोइंग, सोइंग मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बुआई। यहां पर क्या हो गया, मिट्टी की, लिख लेते हैं मिट्टी की तैयारी, ये क्या है दोस्तों, सोइंग मतलब क्या हो गया, बुआई, बुआई हो गया। बीडिंग मतलब क्या हो गया दोस्तों, निराई हो गया, क्या हो गया, निराई हो गया। थ्रेसिंग मतलब क्या हो गया दोस्तों, थ्रेसिंग मतलब होता है, यहां पर हम लोग थ्रेसिंग मतलब लिख दे सकते हैं मारना, या थ्रेसिंग इज थ्रेसिंग मीन्स लिख सकते हैं दोस्तों ताड़ना। थ्रेसिंग मीन्स क्या लिख सकते हैं, ताड़ना, या लिख सकते हैं मड़ाई करना। मड़ाई करना यह हो गया दोस्तों। आगे चलेंगे देखेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ सोल, प्रिपरेशन ऑफ सोल क्या है दोस्तों, प्रेपर मिट्टी की तैयारी, सोल प्रिपरेशन इज द नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी हमको पौधों को उगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, सबसे पहले हम लोगों को मिट्टी को तैयार करना है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये लाइन हमारा कह रहा है सोल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ये क्रॉप, यानी पौधों को उगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आवश्यक है कि हम पहले मिट्टी की तैयारी करें। आगे देखेंगे, इन्वॉल्व टिलिंग एंड लूजनिंग द सोल, हमको क्या करना है दोस्तों, उसकी तैयारी में क्या करना है, पौधों यानी मिट्टी को क्या करना है, एकदम लूज कर देना है, नरम कर देना है। आगे देखेंगे, दिस अलाउ दिस रूट टू द पेंट्रेट डीप इन द सोल, यानी क्या करे सोल एंड टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे आर डीप, यानी अगर पौधों के रूट्स जो है, जड़े जो है, अगर पृथ्वी में अंदर तक पहुंच जाए तो भी उनको सांस मिले, तब भी तो भी वो सांस ले पाए। आगे देखेंगे, ये देखिए यहां पर किसान है, किसान जो है कि किससे, प्लाउ हल से, इसको हम लोग कहते हैं, इसको देसी हल कहते हैं दोस्तों, देसी हल, देसी हल से ये क्या करता है दोस्तों, जुताई करता है। ये प्लाउ हल है, ये जो क्या है, ये नोकदार भाग है इसका, जहां पर लोहे का नोकदार भाग लगा हुआ है, शाफ्ट है ये, प्लाउ शाफ्ट है दोस्तों, प्लाउ शाफ्ट है, यानी हल का शाफ्ट है, जिसे हम लोग हर्षा कहते हैं गांव की भाषा में। यहां पर ये देखिए दोस्तों, बीम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीम को अर्थात गांव की भाषा में हम लोग जुआठा कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जुआठा कहते हैं, जिससे किसान क्या कर रहा है, मिट्टी को तैयार कर रहा है, मिट्टी को तैयार कर रहा है, मिट्टी को लूज बना रहा है, जिससे पौधों की जो जड़ें हैं वो जितना अंदर पृथ्वी तक जा पाती हैं, जाए तो उनको इतना लूज मिट्टी रहे कि उस वहां पर उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। यहां पर देखिए, ब्रीथ इजली, यानी सरलता से वो सांस ले सके। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों सोइंग, सोइंग मतलब क्या हो गया दोस्तों, बुआई, क्या हो गया, बुआई, यानी क्या हो गया दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ द पुटिंग सीड इनटू द सोल इज कॉल्ड सोइंग, यानी क्या हो गया दोस्तों, यह प्रोसेस जो सोइंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, और बीज को मिट्टी में डालना, बीज को मिट्टी में डालना ही क्या कहलाता है दोस्तों, बुआई कहलाता है। बीज को मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, बुआई कहा जाता है। यहां पर देखेंगे, ये किसान है दोस्तों,
हल से ही, जैसे जिस प्रकार से मिट्टी को तैयार कर रहा था हल से, ऐसे इसी प्रकार से ये मिट्टी, ऐसे उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये हल है दोस्तों, ऐसे ये अंदर यहाँ पीछे नाली बना रहा है और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ अनाज ग्रेन्स डाले जा रहे हैं जो कि यहाँ पर इस नाली में गिर रहे हैं दोस्तों। तो इससे क्या हो रहा है, इस प्रकार से बुआई करने से क्या होता है दोस्तों, जो मतलब जो पौधे के यानी प्लांट्स के बीच की जो दूरी होती है या लाइन से लाइन के बीच की दूरी होती है ये निश्चित होती है दोस्तों, और इसमें फसल उत्पादन बढ़ता है। आगे देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सोइंग। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रेंड में है दोस्तों। आज हम लोग यही प्रक्रिया क्या है, हमारे पास बड़े बड़े मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, उसमें क्या हो रहा है तमाम, इसमें एक ही हल लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन उसमें 6-7 हल लगे होते हैं, 6-7 टंकी लगी होती है, अनाज भर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, बुआई हो जाती है। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों वीडिंग, निराई करना। क्या है दोस्तों, जब वीडिंग निराई किसकी करते हैं दोस्तों, जब हमारे फसल में अनवांछित पौधे उगाते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती है और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको या तो हम नष्ट कर देते हैं किसके द्वारा दोस्तों, या तो मतलब खरपतवार नाशक दवा द्वारा जो मार्केट में उपलब्ध है उसके द्वारा, नहीं जुताई द्वारा भी हम उसको नुकसान कर सकते हैं। कब जुताई द्वारा उसको कब हम मतलब खत्म कर सकते हैं, यानी बुआई से पहले जब मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं उसी समय हम उसमें क्या करते हैं, जुताई करके या पौधों को उखाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हम कुछ हद तक पौधों जो अनुवांछित पौधे हमारे खेत में उगाते हैं उससे हम कुछ हद तक सरलता पा जाते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट क्या कर रहे हैं, अनवांटेड प्लांट कांट वीड, यानी क्या होते हैं अनडिजायरेबल, यानी हमारी बिना इच्छा के दोस्तों, हमारी इच्छा के बिना कुछ पौधे क्या कर जाते हैं, ग्रो उगाते हैं विथ अ क्रॉप हमारी फसल में, तो उसको अनवांटेड प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनवांटेड प्लांट, अवांछनीय पौधे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। इन अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है, जो बिना अपने आप से उगाते हैं हमारे खेत में, हमें उनके उगने की कोई इच्छा नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब इस प्रोसेस को, यानी अगर हम लोग हमारे खेत में अगर अनवांटेड प्लांट्स उगाया है उसको निकालने की प्रक्रिया, उसको मारने की प्रक्रिया, उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया, बेकार करने की प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, वीडिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे किसान क्या है, मशीन लेकर क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर निराई नहीं करते हैं, खुरपी ये सब उपकरण लेकर के खेत में नहीं जाते हैं, अब हम लोग खरपतवार नाशक का ही यूज करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मशीन पीठ पर इसके लदी है, ये फवारा निकल रहा है दोस्तों, ऐसे देख रहे हैं फसल पर छिड़काव कर रहा है। तो इसके छिड़काव से क्या हो रहा है दोस्तों, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, नष्ट हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, थ्रेसिंग मतलब हमारा हो जाता है ताड़ना। क्या हो जाता है, ताड़ना। क्या हो जाता है, ताड़ना हो जाता है। तो देखिए ताड़ना क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या हो गया दोस्तों, भूसे से, भूसा जिसको कहते हैं, जैसे इस समय गेहूं है, गेहूं से भूसा, भूसा को अलग करना या गेहूं से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कंबाइन, इस समय कंबाइन को आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये फसल की कटाई कर रहा है, फसल की कटाई करके क्या कर रहा है, इधर से देखिए वेस्टेज जो है इधर पीछे निकाल दे रहा है और बाकी इसमें कहीं एक टंकी होगी, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, गेहूं को इकट्ठा कर ले रहा है, इकट्ठा करके हमको किसी ट्रॉली में या वैसे जमीन पर ही ये निकाल देगा, उसके बाद हम अपने घर लेकर के उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे एक साल के लिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, थ्रेसिंग हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है दोस्तों देखेंगे, यहां पर देखेंगे एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट फ्रॉम मैनोर। क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर एंड मैनोर में हम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखेंगे अ फर्टिलाइजर इज एन इन ऑर्गेनिक साल्ट। क्या है दोस्तों, ये फर्टिलाइजर जो खाद होती है दोस्तों, जो उर्वरक है, ये इन ऑर्गेनिक साल्ट है यानी अकार्बनिक नमक है।
आगे देखेंगे मैनोर इज ए नेचुरल सब्सटेंस अफ्रेंट द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल्स डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। क्या हो रहा है दोस्तों, मैनोर जो है इज ए नेचुरल सब्सटेंस, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक पदार्थ है। अफ्रेंट द डीकम्पोजिशन अफ्रेंट द कैटल डंग, कैटल डंग मतलब जानवर के गोबर जो होते हैं दोस्तों, इनसे ह्यूमन वेस्ट यानी मानव द्वारा जो वेस्टेज होते हैं उससे, एंड प्लांट रेजिस्टेंस यानी प्लांट रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधों से जो वेस्ट पौधे जो क्या हो गए, वेस्ट पौधे से क्या हो गया दोस्तों, इन सब से क्या बन जाता है दोस्तों, मैनोर बन जाता है। आगे देखेंगे ये फर्टिलाइजर इज द प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर जो होता है दोस्तों ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। फर्टिलाइजर्स को कहाँ तैयार किया जाता है, उर्वरक को कहाँ तैयार किया जाता है दोस्तों, इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। मैनोर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैनोर को कहाँ तैयार किया जाता है दोस्तों, खेत में तैयार किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजर्स को कहाँ तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैनोर को कहाँ बनाया जाता है, अर्थात देसी खाद को कहाँ बनाया जाता है दोस्तों, उसको खेत में बनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं दोस्तों, प्लांट के लिए बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व तो उपस्थित रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया। मैनोर इज द रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैनोर में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, कम मात्रा में मौजूद होते हैं, कम मात्रा में मौजूद होते हैं। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, आगे हम लोग आ गए, व्हाट इज इरिगेशन, सिंचाई क्या है। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यहां पर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो मेथड, दो विधियों को आप डिस्क्राइब कीजिए सिंचाई के लिए, दो विधियों को मतलब डिस्क्राइब कीजिए कंजर्व ऑफ वाटर, जिसमें क्या हो, पानी की बचत हो। आइए देखते हैं, द आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का क्या मतलब हो गया दोस्तों, आर्टिफिशियल मेथड का मतलब कृत्रिम विधि। क्या हो गई, कृत्रिम विधि, जिसका निर्माण हम लोगों ने किया है, मानव जाति ने किया है, वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन दियर ग्रोथ। क्या है दोस्तों, ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या हो गया दोस्तों, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि द्वारा अगर हम लोग प्लांट की क्या करते हैं दोस्तों, सिंचाई करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कृत्रिम विधि द्वारा पौधों की ग्रोथ के लिए की गई सिंचाई ही क्या कहलाती है दोस्तों, यहां पर सिंचाई कहलाती है, यानी किया गया, डाला गया पानी या पहुंचाया गया पानी ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। मेन सोर्स ऑफ द इरिगेशन, सिंचाई के मुख्य साधन क्या है दोस्तों, सिंचाई के मुख्य साधन जैसे वेल्स हो गए, और उसके बाद लेक्स हो गई, ऐसे तमाम चीजें हो गई दोस्तों, पॉन्ड्स हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिए गए हैं दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ से ये है मोर, इसमें देखिए ये ऐसे, ये यहाँ पर ये चरखी लगी हुई है, और यहां से देखिए ये इनके पास एक बड़ा सा पात्र है दोस्तों, ये रस्सी से कोई एक आदमी खींच रहा होगा इधर से, ये यहां से इसको निकाल करके यहाँ उड़ेल रहे हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, चैन पंप हो गया दोस्तों, चैन पंप लगा है दोस्तों, इसमें ऐसे यहाँ पर देखेंगे ऐसे छोटी छोटी बाल्टियां लगी होंगी, और फिर ये आती हैं दोस्तों, तो ऐसे यहाँ पर उड़ेल देती हैं, फिर ऐसे फिर जाती हैं, भर के फिर आती हैं, ऐसे ऐसे इसमें बने होंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे। तो जब यहाँ देखिए ऐसे पहुंचेंगी, ये यहाँ पहुंचेंगी तो ऐसे इसमें जल भर जाएगा, इसमें जल भर जाएगा, ऐसे भर करके आएगा, और फिर ऐसे आएगा तो ये यहाँ आएगा तो उड़ेल देगा। फिर यहाँ से देखेंगे ढेकुली, ये ढेकुली है दोस्तों, ये गाँव में सबसे ज्यादा फेमस था, सबसे ज्यादा फेमस सिंचाई का साधन ढेकुली था। आगे देखेंगे ये क्या है दोस्तों, राहट। क्या है, रहट है, ये इसमें क्या है दोस्तों, इसी मेथड से है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए ये लंबा बीम लगा है ऐसे नीचे से, यहाँ क्या है दोस्तों, एक बैल है जो कि इसको घुमा रहा है, इसके घूमने से क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो शाफ्ट लगा ये घूमता है, इसके शाफ्ट के घूमने से क्या हो रहा है, ये भी ऐसे घूमता है, और घूमने से क्या होगा दोस्तों, ऐसे जंजीर से जाएगा नीचे, पानी उठाएगा और ऊपर ला करके ऐसे उड़ेल देगा। आगे चलेंगे, आगे क्या है दोस्तों, आगे है सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन। क्या है दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स आर ट्यूब्स विथ वेरी स्मॉल होल्स
इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ रूट इट इज वेरी सफिशियंट एज वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल। ये क्या है दोस्तों, ऐसे देखेंगे यहां पर ये मोटर लगा हुआ है दोस्तों, ऐसे यहां पर ये बेल है, ये बेल है, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए पाइप यहां से ऐसे गया है, ये यहां पर गया, और इसके बाद में ये पतली पाइप देखिए यहां पर दे रहा है अरेंजमेंट ऑफ द पाइप और ट्यूब, चाहे पाइप है चाहे ट्यूब है विथ वेरी स्मॉल होल्स। इसमें क्या है दोस्तों, बहुत महीन महीन छिद्र है, बहुत महीन महीन छिद्र है, मतलब छोटे छोटे छिद्र है। देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप, ये जो वाटर जो है इसमें जो पानी जो जाता है पौधों को दोस्तों, पौधों को जो पानी जाता है ड्रॉप टू ड्रॉप यानी बूंद बूंद कहां जाता है, एट द बेस ऑफ रूट यानी कहां जाता है, यानी एकदम जड़ पर गिरता है, जो बूंद बूंद जो पानी गिराया जाता है दोस्तों इस विधि में एकदम जड़ पर गिरता है, जिसके कारण से इट इज वेरी सफिशियंट एज वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल। यानी यह विधि जो है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही मतलब उपयोगी है, वाटर इज नॉट वेस्ट एट ऑल, मतलब इसमें पानी के नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आगे चलेंगे, आगे क्या है दोस्तों, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में क्या है दोस्तों, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए यहां से ऐसे यहां जाएगी पाइप, ऐसे खड़ी पाइप लगी है, ऐसे खड़ी हो गया, यहां पर क्या लगा है दोस्तों, एक नोजल लग गया है, और नोजल इसके टॉप पर क्या लग गया है, नोजल लग गया है, और ये नोजल क्या कर रहा है दोस्तों, ऐसे घूमता है, ऐसे जैसे ये मान लीजिए ये नोजल है तो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे ये चारों तरफ ऐसे बरसात आज मतलब रेन की जैसा ये मतलब खेत की सिंचाई करता है, ऐसे घूमता है। इट इज मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड, यानी ये कहां दोस्तों, जैसे जहां पर रेतीली भूमि है, जहां पर बलुई भूमि है, या उबड़ खाबड़ भूमि है, वेयर सफिशियंट वाटर इन नॉट अवेलेबल, जहां पर अधिक मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 7 नंबर, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। अगर गेहूं की फसल को किस सीजन में उगाया जाए दोस्तों, खरीफ की सीजन में उगाया जाए तो क्या होगा डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। व्हीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल, जो व्हीट है दोस्तों गेहूं की जो फसल है इसको हम नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं और हम लोग दोस्तों मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर लेते हैं, अर्थात ये क्या है दोस्तों, इट इज ग्रोन इन विंटर, यह इसको विंटर यानी ठंड के सीजन में उगाया जाता है, ठंड में उगाया जाता है, रिक्वायर लेस वाटर यानी इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इसको हम क्या करें, व्हीट को गेहूं को इज सोन इज द खरीफ सीजन, अगर इसको खरीफ सीजन में उगाया दोस्तों, इट इज प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली, तो क्या होगा, इसका उत्पादन घट जाएगा, इसका उत्पादन कम होगा, क्योंकि गेहूं क्या है दोस्तों, रबी की फसल है, अगर इसको खरीफ की फसल में उगाया जाएगा तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, इसका उत्पादन कम से कम होगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सोल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है कि अगर किसी भी खेत में लगातार पौधे उगाए जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सोल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल। यानी क्या करते हैं दोस्तों, पौधे जब हम किसी भी जमीन पर बार बार पौधे लगाते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी सॉइल यानी मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, खत्म हो जाएंगे और हमारी भूमि द सोल बिकम इनफर्टाइल, यानी हमारी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। हमको क्या कर देना चाहिए दोस्तों, अगर हम लोगों को किसी भी खेत में खेती करनी है तो लगातार उसमें पौधे नहीं लगाना है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है, ताकि क्या करें दोस्तों,
ताकि हमारा खेत जो है या फील्ड जो है जिसमें हम फसल उगाना चाहते हैं उसमें पोषक तत्वों का पर्याप्त भंडारण हो सके। अगर लगातार हम किसी खेत में पौधे उगाते रहेंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, उसके जो पोषक तत्व होंगे खत्म हो जाएंगे और हमारी जो भूमि है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बंजर हो जाएगी। आइए चले आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द वीड्स, यानी खरपतवार क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। यानी क्या होता है दोस्तों, बिना इच्छा के, बिना मतलब के अनवांटेड अनवांछनीय पौधे अगर हमारे क्या हो रहे हैं, कहां ग्रो कर जाते हैं, नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, कहां दोस्तों हमारी फसल में अगर वो ग्रो कर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इसकी रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों, द ग्रोथ ऑफ द वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई अडॉप्टिंग मेनी वेज, यानी हम लोग जो खरपतवार जो डेवलप कर गए हैं, ग्रोथ कर गए हैं, हमारे उगाए हैं हमारे खेत में या हमारी फसल में, उनको हम लोग उस मेथड द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप, टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुआई से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, बुआई से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब खराब कर सकते हैं जुताई के थ्रू, या मान लीजिए उसको किलिंग मतलब मार सकते हैं, मतलब उखाड़ के फेंक सकते हैं, व्हिच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सोइल, और क्या हो जाएंगे तब हम उसी में उखाड़ के रख फेंक देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, उसी हमारी मिट्टी में क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे एंड गेट मिक्स्ड द सोइल और हमारी मिट्टी में मिल जाएंगे। वीड्स खरपतवार आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, यानी आज के समय में जो आज जो है दोस्तों वीड्स की जो रोकथाम है, जो रोकथाम हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, सर्टेन केमिकल यानी रासायनिक खरपतवार का यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, रासायनिक खरपतवार का यूज कर रहे हैं। वीडिसाइड्स आर स्पेयर्ड इन द फील्ड किल द वीड्स, क्या करते हैं दोस्तों उसे मतलब जो केमिकल्स वीडिसाइड्स होते हैं हमारे पास, केमिकल जो रासायनिक खरपतवार नाशक होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अपने क्रॉप फसल में क्या कर देते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, तो जो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, किलिंग अर्थात मारे जाते हैं। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर, मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। यहां पर देखेंगे दोस्तों, ऐसे इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले यह हो गया इरिगेशन, हो गया यह, हो गया दोस्तों ये सोइंग, हो गया यहां से, हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोइल, हो गया प्लाउंग ऑफ द फील्ड, हो गया दोस्तों ये, हो गया मैन्यूरिंग, हो गया। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें हम लोगों को गन्ने को कैसे, गन्ना उगाना है और गन्ने को बेचने तक के, बोने से लेकर के बेचने तक की प्रक्रिया को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग उस गन्ने को बोने के लिए यानी गन्ना की फसल लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, प्लाउंग द फील्ड यानी उस खेत की जुताई करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, सोइंग मतलब फिर क्या करेंगे, बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, बुआई करने के बाद में क्या करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, मैन्योरिंग करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, उसकी क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, उसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर सेंडिंग क्रॉप द सुगर फैक्ट्री, और फिर उस क्रॉप को यानी फसल को कहां भेज देंगे, कहां भेज देंगे यानी सुगर फैक्ट्री चीनी मिल में भेज देंगे, वहां पर इसकी प्रक्रिया इतना ही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे, आगे है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर ये छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों।